deli cana hayat onu kasa zarı bekliyor. Ben o bir kahvenin fark edilmeyi koyu bile giymeyi erdi yok ve duca deli tepe giymemiş. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ईडन गार्डन टाइम्स और मुझे कहते हैं ख्वाजा आज़म। अभी सिर्फ सुबह के 8 बजे हैं और मुझे उठना पड़ा। आज ईडन गार्डन ने एक पार्टी अरेंज की है और उस पार्टी को कवर करना है, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। हाँ जी, पार्टी में जाने के लिए घर से निकल पड़े हैं और अभी ऑफिस से कुछ सामान चाहिए था तो ऑफिस में आया हूँ। अभी आपको बताते हैं कि ये पार्टी किस चीज़ की है। जी व्यूज, इवेंट पे हम पहुंच चुके हैं। ईडन गार्डन टाइम्स ने आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है होटल होटल में होटल का जीवन में सियालकोट का बहुत ही ज़बरदस्त होटल। और अभी आपको इवेंट भी दिखाएंगे और इस होटल के बारे में भी बताएंगे। सर, ये ईडन गार्डन टाइम्स के ज़ेर एहतमाम 19th फेयरवेल पार्टी है जो कि ईडन गार्डन टाइम्स का ही एक इदारा ईडन गार्डन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ये पार्टी होती है हर साल। 9th क्लास के बच्चे अलविदा करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, तो हम उसी के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू होने वाला है और थोड़ी देर में तमाम बच्चे और टीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे इकट्ठे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी पिछले प्रोग्रामों की तरह रंगारंग और बड़ा ज़बरदस्त होगा। लगता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही अर्ली पहुँचे हैं यहाँ पे। होटल द जीवंस बहुत ही ज़बरदस्त होटल है सियालकोट में कश्मीर रोड पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल इनका थोड़ा जो बिज़नेस है इनका थोड़ा मंदा चल रहा है, क्योंकि ये ब्रिज जो है बिल्कुल होटल के फ्रंट पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, शहबाज शरीफ ब्रिज, और ये तकरीबन 1 मंथ के करीब अभी और लगेगा ये कम्प्लीट होने में। तो होटल वालों के बेचारों के ज़रा मसले चल रहे हैं आजकल इस ब्रिज की वजह से। जी व्यूज़, मैं इस वक्त एक आरामदेह कुर्सी पे मुझे बैठना पड़ा क्योंकि काफ़ी देर से मैं खड़ा था, तो मैंने कहा थोड़ा आराम कर लिया जाए। और अभी सेटिंग चल रही है और माइक वगैरह साउंड वगैरह सेट हो रहा है, कुछ ही देर में प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और सुना है आज खाने में भी काफ़ी कुछ है, चलो देखते हैं क्या मिलेगा खाने के लिए। हाँ जी, आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है और आज का जो साउंड है और माइक्स वगैरह वो सारा कुछ आमिर साहब हैंडल कर रहे हैं। और आमिर के बारे में ख़ास बात यह है कि अल्लाह ताला ने आमिर को आंखें तो दी लेकिन उनमें रोशनी नहीं दी, तो लेकिन फिर भी आमिर को किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह। तो ये बहुत से ऐसे काम करता है जो कि हम आम लोग सोच भी नहीं सकते। जी आमिर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आमिर, आज का प्रोग्राम कैसा जाने वाला है? आज का प्रोग्राम अगर आवाज़ के अतबार से बात करें तो ये तो अच्छी है, बाकी ओवरऑल भी बड़ा अच्छा जाएगा। जी, अगर आपको सियालकोट में साउंड सिस्टम की ज़रूरत हो तो आप आमिर से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर साउंड को चला नहीं सकता, कसम से सही कह रहा हूँ। Oh,
مہمان تو تقریباً آ چکے ہیں، بس مجھے تو انتظار ہے کہ جلدی جلدی پروگرام ختم ہو اور کھانا کھلے، ناشتہ بھی نہیں کیا ہوا ہے بھائی، بھوکی وغیرہ بھی آن ہو چکا ہے اور ماحول بھی بن گیا، مزہ آئے گا لگتا ہے آپ کو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز شروع ہوتا ہے اور آج آپ 19واں یہ جو الوداعی تقریب پیش کی جا رہی ہے 9th کلاس کی طرف سے، میں پچھلے دنوں میں ذکر ہو رہا تھا تو مختلف اسٹوڈنٹس کا کے حوالے سے بات کی، تو مجھے ایک بیچ کا ذکر کر رہے تھے، وہاں سے میں ایک بینک میں گیا. ہمیشہ شاد رہے، ہمیشہ آباد رہے اور یہ ہمیشہ
बेशुमार खुशियां समेटती रहे और कामयाबी और कामरानियत के कदम जो तुम्हें आमीन सुमामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के इस खूबसूरत मौके पर, इस खूबसूरत तकरीब में मैं तमाम उन स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो कि अपने फ्यूचर की जो मंजिलें हैं उनकी तरफ जाने के लिए तैयार खड़े हैं। उसके अलावा यूट्यूब पे इंडियन गार्डन टाइम्स के नाम से पेज चल रहा है, बल्कि चैनल चल रहा है, बड़ा जबरदस्त चैनल चल रहा है यूट्यूब पे, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं खास तौर पर आज भाई साहब ने जो रैप बोला है तो मैं जरूर उस पर अपलोड करूंगा जाके और भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस जितनी भी होगी मैं उस पर अपलोड करूंगा। जितनी भी अपडेट्स हैं प्रोग्राम्स के हवाले से वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, जितने भी पेजेस हैं। ईडन गार्डन ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन का एक पेज डिजाइन किया गया है, उसको भी लाइक करें तो यकीनन आप एक्सपर्ट्स हो जाएंगे ईडन गार्डन के। तो इन पेजेस को लाइक करें और स्कूल के साथ इन मीडियम्स के जरिए आप स्कूल के साथ रब्ते करें। थैंक यू सो मच।